अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है रॉनिन के R642 वायरलेस ईयरबड्स जो कि रॉनिन ने 4600 के प्राइस टैग में लॉन्च किए हैं। क्या ये ईयरबड्स 4600 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। और अगर आप इन ईयरबड्स का कंपैरिजन R570 के साथ देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑर्डर जो मुझे मिला उसका सील या तो प्रॉपरली अप्लाइड नहीं था या फिर ऑलरेडी ओपन था। एक्सेप्ट फॉर द ओपन सील एंड अ स्लाइटली डैमेज बॉक्स, एवरीथिंग एल्स वाज फाइन। रॉनिन R640 का बॉक्स इनके बाकी ईयरबड्स बॉक्सेस की तरह ही है। नथिंग इज डिफरेंट एक्सेप्ट फॉर द टाइटल एट द टॉप व्हिच सेज इनोवेटिव डिजाइन। Inside the box, you get your earbuds, charging case, type A to C cable, and some extra rubber ear tips, and a user manual, and as usual, you get the warranty on the box. Case ka build plastic ka hai, and front iska glossy hai, jabki sides and back white matte plastic ke hain. बट जो कलर्स रॉनिन ने एडवर्टाइज किए थे ये कलर वैसे ब्राइट नहीं है। केस पर यू गेट एन एलईडी इंडिकेटर एंड ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट एंड देयर इज नो पेयरिंग और रीसेट बटन। केस की क्वालिटी सॉलिड है एंड इन हैंड फील से आपको ये कम्पैक्ट और ड्यूरेबल फील होंगे, बट इसका फ्रंट ग्लॉसी पार्ट बहुत ईजिली स्क्रैच हो जाएगा विद टाइम। ईयरबड्स स्टेम डिजाइन के हैं एंड ये कम्प्लीटली ग्लॉसी हैं। I personally like the matte ones. Earbuds के rubber tips को case के colorized glossy part के साथ matching रखा गया है for aesthetics. Now let's do the shake test. Starting with the normal to moderate shake. Even with the moderate shake, ये case से बाहर आ जाते हैं. Usually stem design वाले earbuds case से आसानी से बाहर नहीं आते. I guess इनके magnets ज़्यादा strong नहीं हैं. बड्स सॉलिड फील होते हैं एंड दे आर लाइट वेट। ईयर फिट इनका काफ़ी अच्छा है एंड रनिंग में भी इवन दे डोंट सीम टू फॉल ऑफ योर ईयर्स दैट ईजली। ईयरबड्स का मैश नॉर्मल है बट नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ईयरबड्स की क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मुझे ठीक लगी। इनमें ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है एंड ये डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद हर बार लिड ओपन होने पर इन अराउंड 4 सेकेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं। ड्राइवर साइज 13mm है एंड कोडेक ये AAC और SPC सपोर्ट करते हैं। साउंड की अगर मैं बात करूं तो साउंड इनका इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि प्रीवियसली आई हैव टेस्टेड द R570 एंड वो प्राइस में भी इनसे सस्ते हैं एंड साउंड में भी बेटर हैं। इसके लिए मैं अलग से एक कंपेरिजन वीडियो पोस्ट करूँगा R570 वर्सेज R640 की। साउंड में बेस का प्रेजेंस एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है बट टू सम एक्सटेंट बेस वोकल क्लैरिटी को सेक्रीफाइस करता है। वोकल क्लैरिटी मुझे एवरेज लगी। साउंड में इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन पे मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस लगा। ओवरऑल इनकी लाउडनेस एवरेज है एंड ये बहुत लाउड नहीं है एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ ख़राब नहीं होती। साउंड टेस्ट करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि R640 डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स पर ज़्यादा फोकस्ड हैं रादर देन साउंड। 4600 में जो साउंड क्वालिटी मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिली। माइक्स इनमें कॉर्ड दिए गए हैं एंड ENC को भी मेंशन किया है। माइक्स को टेस्ट करने के लिए मैंने आउटडोर्स और इंडोर्स कॉल रिकॉर्डिंग्स इंक्लूड किए हैं, जिनमें मैंने फ़ोन के माइक के साथ रॉनिन R640 के माइक को सिम कॉलिंग एंड व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों पर कंपेयर किया है। इस वक्त मैं हूं आउटडोर्स और आउटडोर्स जब फोन के माइक्रोफोन से आप बात करते हैं तो कुछ इस तरह माइक की क्वालिटी आपको मिलती है। और अब मैं स्विच करूंगा रॉनिन R640 पे। अब मैंने स्विच कर लिया है रॉनिन R640 पे। स्विच करने के बाद रॉनिन R640 के माइक की आउटडोर्स कुछ इस तरह से क्वालिटी आपको मिलती है। इस कॉल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉनिन R640 का ENC किस तरह से काम करता है आउटडोर्स।
इस वक्त मैं हूँ इंडोर्स, और इंडोर्स फोन के माइक्रोफोन से जब सिम से आप कॉल पे बात करते हैं तो कुछ इस तरह से फोन क्वालिटी आपको मिलती है। और अब मैं स्विच करूंगा रॉनन R640 पे। अब मैंने स्विच कर लिया है रॉनन R640 पे। स्विच करने के बाद रॉनन R640 की माइक की कुछ इस तरह से क्वालिटी आपको मिलती है जब आप सिम कॉलिंग पे बात करते हैं। इस वक्त मैं हूँ आउटडोर्स, और इस वक्त ये कॉल मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फोन के माइक्रोफोन से। तो फोन के माइक्रोफोन से आउटडोर्स जब व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं तो कुछ इस तरह से कॉलिंग की क्वालिटी आपको मिलेगी। और अब मैं स्विच करूंगा रॉनन R640 पे। अब मैंने स्विच कर लिया है रॉनन R640 पे, और ये कॉल इस वक्त व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड हो रही है। तो व्हाट्सएप पे जब आप आउटडोर्स रॉनन R640 पे बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको मिलेगी R640 की। इस वक्त मैं हूँ इंडोर्स, और इंडोर्स व्हाट्सएप पे मैं बात कर रहा हूँ फोन के माइक्रोफोन से। तो फोन के माइक्रोफोन से इंडोर्स जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी। और अब मैं स्विच करूंगा रॉनन R640 पे। जी, अब मैंने स्विच कर लिया है रॉनन R640 पे। तो इस वक्त ये कॉल व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड हो रही है और माइक यूज हो रहा है रॉनन R640 का। तो कुछ इस तरह से व्हाट्सएप कॉलिंग क्वालिटी आपको मिलेगी जब आप बात करेंगे रॉनन R640 पे थ्रू व्हाट्सएप। ईयरबड्स की बैटरी 40 mAh है एंड केस की बैटरी 400 mAh है। बड्स केस में 1.5 आवर्स में 0-100 चार्ज हो जाते हैं और केस चार्ज होने में 2 घंटे लगाता है। ईयरबड्स से ऑन 60% वॉल्यूम आपको अराउंड 5.5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है ऑन एवरेज, और केस से बड्स 4 टाइम चार्ज हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।